Sri Krishna, Sri Krishna, Sri Krishna, Sri Krishna. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwarah, Guru Sakshat Param Brahma, Tasmai Shri Gurave Namaha, Tasmai Shri Gurave Namaha. दृष्टि में परिवर्तन लाना ये शास्त्रों के अध्ययन का मूल प्रयोजन है। यदि हमने शास्त्रों का अध्ययन किया और हमारे दृष्टि में परिवर्तन नहीं आया तो हम केवल पंडिताई में ही फंसे हुए हैं। पांडित्य और आध्यात्मिक प्रगति इसका कोई संबंध नहीं, इसीलिए अपने दृष्टि में परिवर्तन लाना है। अब कितनी दृष्टियां है? एक दृष्टि है मैं तू तू की, दूसरी दृष्टि है मैं और मेरे भगवान की, तीसरी दृष्टि है भगवान की और उसकी दुनिया की, चौथी दृष्टि है परमात्मा की। चार दृष्टियां है। इसको समझने के लिए उदाहरण ले ले, जल्दी समझ में आएगा। जैसे एक लहर दूसरी लहर की तरफ देखती है तो ये कौन सी दृष्टि होगी? एक दूसरे के साथ कंपटीशन करना, जेलसी होना, झगड़ा करना, होलियर देन दाउ सिद्ध करना, देखो जिसमें कंपटीशन होगी, आई वर्सेस यू। दूसरी दृष्टि है यह लहर जो है समुद्र के प्रति समर्पित है, जो दृष्टि होती है भगवान के भक्त की, भगवान का भक्त भगवान के प्रति समर्पित होता है। तो ये जो भक्ति की दृष्टि है इसमें जलन, एक दूसरे से कंपटीशन, भक्त भगवान से कभी कॉम्पीट नहीं करता, भक्त भगवान से कभी झगड़ा नहीं करता, भक्त भगवान के सामने कोई सिद्ध नहीं करना चाहता, केवल समर्पित हो जाता है। दूसरी दृष्टि। तीसरी दृष्टि है समुद्र लहरों की तरफ कैसा दिखता है। भगवान कहते गीता में समोहम सर्वभूतेषु नमे द्वेषोस्ति न प्रियः, मेरे लिए सब एक जैसी ही है, मेरे लिए कोई अपना पराया नहीं है। देखो सुनामी आई तो समुद्र को बुरा नहीं लगता और छोटी सी एक रिपल हो तो समुद्र को अच्छा नहीं लगता, उसके लिए सब एक जैसे ही है। और चौथी दृष्टि है पानी की दृष्टि से देखो तो ना समुद्र कारण है और ना लहरें कार्य है। ये चार दृष्टियों के परिवर्तन के प्रक्रिया को कहते हैं आध्यात्मिक साधना। यदि ये हमारे दृष्टि में परिवर्तन नहीं आया तो हम केवल झगड़े में ही रहेंगे, उससे निकलना कुछ नहीं है। इसीलिए पहली हमको दृष्टि बताई, कौन सी दृष्टि बताई? ईशावास्य विदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत। तो परमात्मा के दृष्टि से, पानी के दृष्टि से ये समुद्र लहरों को देखो। एक बार हम पानी के पास गए और कहा भैया समुद्र के रूप में तुम बड़े खतरनाक रहते हो, लहरों में मजा आता है खेलने के लिए। तो पानी ने कहा कि महात्मा जी ये बताओ समुद्र किस चीज का नाम है और लहरें किस चीज का नाम है। पानी के दृष्टि से ना समुद्र है ना लहर है और इसीलिए पानी समुद्र में डूबने से नहीं डरता और लहरें टूटने से नहीं टूटता, क्योंकि पानी के दृष्टि में एकमेव अद्वितीय, अन्य कुछ है ही नहीं। तो पहली ये दृष्टि हमको प्रदान करिए ईशावास्य उपनिषद ने, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत। जब ये दृष्टि प्राप्त हो गई तो उसका परिणाम क्या होगा? देखो तो उसके दो परिणाम बताए। पहला परिणाम बताया कि तेन त्यक्तेन भुंजी था, जगत के प्रति जो हमारी भोग बुद्धि है इस भोग बुद्धि का त्याग हो जाएगा।
जहां भोग बुद्धि का त्याग हो गया वहां योग की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। और योग किसको कहते हैं? योग कहते हैं तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संजितम। भगवान कृष्ण के अनुसार योग माने जीवन में आने वाले दुखों से प्रभावित न हो करके अपने आनंद स्वरूप में टिके रहना, उसको योग कहते हैं। इसीलिए तेन त्यक्तेन, जब भोग की बुद्धि समाप्त हो गई, भुंजी था आत्मा लंपाले था, हमेशा प्रसन्न रहे। और दूसरा प्रभाव इस दृष्टि का ये होगा, मां गृदाह कस्य सिद्धनम, इस दुनिया में जो हम संग्रह करने के लिए बैठे हुए हैं, इस संग्रह बुद्धि से हम अपने आप को बचाएंगे। अब देखो ये तीनों का मतलब क्या निकला, सभी परमात्मा का है तो ना भोग करो ना संग्रह करो, तो फिर क्या करो? सो जाओ। अगले मंत्र में कहते सोना मत, कुर्वन्ने वेह कर्माणी जिजी विशेषतगम समा। अपने जीवन को ऐसा परिपूर्ण बनावे कि जीवन का एक एक क्षण एकदम डायनामिज्म से भरा हो, ऐसे नहीं कि मरे पड़े हैं, नहीं। कुर्वन्ने वेह कर्माणी, यह इस मनुष्य देह में रहते समय हमको कर्म का जो अधिकार है उसको पूरा प्रयोग में लाना है। तो कौन से कर्म करने हैं? कर्म करते समय एक ही बात ध्यान में रखनी है, कर्म करते समय हम अपने आप को बिजी रखने के लिए कर्म कर रहे हैं, कुछ प्राप्त नहीं करना है। देखो तो क्या कैसे बिजी रखे, जो जो अपने कर्तव्य कर्म है उसको करते रहो। जो व्यक्ति अपने कर्तव्य कर्मों में बिजी रहता है उसके लिए जीवन में समय की समस्या नहीं होती। और समय की समस्या क्या है? समय कम है ये समस्या नहीं है, समय ज्यादा है ये समस्या है। देखो बुढ़ापे में आदमी बोर क्यों होता है? क्योंकि 24 घंटे में 24 घंटे क्या करे? बच्चे लोग बिजी रहते हैं, पता नहीं किस लिए, वो सवाल नहीं, बिजी रहते हैं। इसीलिए कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजी विशेषतगम समा। तो कैसा जिए, इसका एक टेक्निक हमने आपको बताया था, कैसा जिए? केवल एक ही करे, अपने माध्यम से आनंद प्रकट हो। हम तीन प्रकार से प्रकट होते हैं, कर्म से, वाणी से और विचारों से। कर्म सुख को आनंद को प्राप्त करने के लिए ना करें, बल्कि कर्म आनंद को प्रकट करने के लिए करें। जो भी करना है खुशी से करें। देखो तो आप कर्मयोग कर रहे हैं, वाणी जो भी बोलना है खुशी से बोले, कड़वाहट से ना बोले। देखो तो हमारे माध्यम से प्रभु की वाणी प्रकट हो रही है। और जो भी विचार करे उस विचारों में खुशी हो, आनंद से विचार करे। दुखी होकर के आदमी कभी भी क्रिएटिव नहीं हो सकता। तो कुर्वन्ने वेह कर्माणि का अर्थ क्या हो गया? कि हम एक ऐसा माध्यम बने कि जिस माध्यम से परमात्मा जो आनंद स्वरूप है पूर्ण रूप से प्रकट हो जाए। तो जिस कर्म में आनंद प्रकट होता है, जिस वाणी से आनंद प्रकट होता है और जिन विचारों में आनंद प्रकट होता है, वहां परमात्मा पूर्ण रूप से प्रकट हो रहा है। और जहां परमात्मा प्रकट होता है उसी को महात्मा कहते हैं, और जहां दुख प्रकट होता है उसको सीएच आत्मा कहते हैं। अब ये देखो हम कौन है, सीएज आत्मा है कि महान आत्मा है? इसीलिए महाराज दुखी होने को जस्टिफाई मत करना। हर एक आदमी अपने ही कारण दुखी होता है, अन्य के कारण कोई दुखी नहीं होता। अपने आप को समझा ले। यहां तक हमने देखा और फिर भगवान ने एक चेतावनी दी कि यदि हम
इस मनुष्य देह में आकर के आनंद को प्रकट करना, ये हमारे जीवन का प्रयोजन पूरा नहीं करेंगे तो हमारा सत्यानाश हो गया। देखो, जिस काम के लिए हमको प्रभु ने भेजा है, एक ही काम है, हमारे माध्यम से आनंद प्रकट हो गए। देखो संतो, और क्यों नहीं प्रकट होता? असुर्या नामते लोका अंधेन तमसावृता, क्योंकि वो हमेशा केवल भोग में ही लगे रहते हैं, आर्ग्यूमेंट में लगे रहते हैं। देखो, एक हमारा सिद्धांत है, बड़ा सिंपल सिद्धांत है, वो ये है कि द बेस्ट वे टू डिसएग्री विथ एनीबडी इज टू एग्री इमीडिएटली। नारद भक्ति सूत्र में कहते हैं, वादो न अवलंब्या, ये आर्ग्यूमेंट करने से आज तक किसी का समाधान नहीं हुआ है। देखो, ये जो गुडी गुडी ब्रांड के लोग होते हैं, बड़े डेंजरस होते हैं, इसीलिए आर्ग्यूमेंट के चक्कर में कभी नहीं पड़ना, यहां या तो वहां, बीच में का कोई रास्ता नहीं है। कुर्वन्ने वेह कर्माणि और असुर्या नामते लोका अंधेन तपसावृता, यहां तक होने के पश्चात अब इस तत्व को हमको पहचानना है, जिस तत्व की अभी तक बात हो रही थी, अब उसको पहचानने के लिए हमको दिशा निर्देश दिया जाता है। देखो, समझो कहीं खंबे पर बोर्ड लगा हुआ है कानपुर, तो हम उस खंबे को पकड़ के बैठ जाए कि चलो भाई कानपुर पहुंच गए, नहीं, उस दिशा में हमको जाना है। इसी प्रकार से ये जो शब्द है चौथे मंत्र के, ये एरोज है, पॉइंटर्स है, दिशा को लखाने वाले एरो मार्क्स है। एक एक शब्द को लेकर के हम अपने स्वरूप में वापस आ सकते हैं, यदि यह तत्व चिंतन की प्रक्रिया हमको मालूम हो तब। और तत्व चिंतन की प्रक्रिया कौन कर सकता है? भगवान ने हमको कल बताया था, तथा पदम तत् परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये यत प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी। ततः, उसके बाद, किसके बाद? असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, जब तक के हम अपने आप को इस दुनिया के झमेले से वापस ना बुलावे, हम कुछ नहीं कर सकते। देखो, ये सिंपल बात ऐसी है, समझो किसी को रूट कैनल हो रहा हो, बहुत दर्द है, छेद गिरा है, पस निकल रहा है, ऐसा आदमी मेडिटेशन कैसा करेगा? नहीं, मुझे मेडिटेशन करना है, और मुख में दर्द है, तो उसका मेडिटेशन होगा सेंटीडेंटल मेडिटेशन। दुखी आदमी परमात्मा के बारे में नहीं सोच सकता। ध्यान से सुनना संतो, प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्य उपजायते प्रसन्न चेतसो याशु बुद्धि परि परमात्मनि अवतिष्ठते। जो प्रसन्न चेतस है वही प्रभु का स्मरण कर सकता है, दुखी आदमी दुख का स्मरण करेगा। इसीलिए ये अपने दिमाग से निकाल डाले कि हे भगवान, हम बड़े दुखी हैं, हमको दर्शन दो। भगवान कहेंगे, यहाँ एडमिशन नहीं है दुखी लोगों को, यह आनंद का साम्राज्य है, रोना धोना बंद करो। ये रोने धोने से दूसरे की सिंपथी लेना, ये अध्यात्म नहीं है, अपने मस्ती में रहना है। तो ये तथा, उसके पश्चात, किसके पश्चात? असंग शस्त्री ने दृढ़ेन चित्वा, वी हैव टू ड्रॉ ए लाइन, दस फार नो फर्दर, यहां तक, उसके आगे नहीं। हर चीज में, रिश्तों में, भोग में, संग्रह में, जगत के साथ वार्ता करने में, ये बहुत आवश्यक है। वी हैव टू ड्रॉ अवर ओन लाइन। देखो, एक हमारे मित्र है, बड़े विद्वान है, बहुत बड़े संत महात्मा है, और हमने उनको एक बार कहा, हमसे बात हो रही थी, बोले स्वामी जी आपके लेक्चर कहाँ हो रहे थे? हमने कहा ऐसे ऐसे हॉल में हो रहे थे। अच्छा, हॉल में हो रहे थे? हमने कहा हाँ, दो प्रकार के महात्मा होते हैं,
एक खॉल ब्रांड और दूसरे होते पिंडाल ब्रांड। जिन महात्माओं के सत्संग में हजारों लाखों लोग आते हैं उनका पिंडाल ब्रांड महात्मा होते हैं, और हमारे इसमें हॉल ही बड़ा मुश्किल से भरता है, हम हॉल ब्रांड बेहाल महात्मा है। तो एक बार वो हमको बोल रहे थे कि स्वामी जी एक बार ऋषिकेश की बात है, मैंने सुबह 8-9 बजे शुरू कर दिया प्रवचन, बड़े अच्छे बोलते हैं, विद्वान है, आवाज अच्छी है, और हमारा सत्संग चलता रहा, सुबह 8-9 बजे शुरू किया, शाम को 6 बजे तक चलता रहा, 12 घंटे 14 घंटे। तो हमने कहा बाप रे इतना बोल सकते? बोले हाँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने कहा आपको कोई नहीं फर्क पड़ता, सुनने वाले को फर्क पड़ता है। देखो मनुष्य का मन 1.25 घंटा हद हो गई, उसके बाद किसी भी विषय में नहीं लग सकता। हम कितना बोल सकते हैं ये महत्व का नहीं है, सुनने वाला कितना ग्रहण कर सकता है ये महत्व का है। देखो बोलने के लिए क्या, एक बार चाबी लग गई तो शुरू हो गए, उसमें क्या लगता है। इसीलिए हमको एक लाइन ड्रॉ कर लिए, यहां तक, इसके आगे नहीं। ऐसा जिसने अपने आप को जगत से उपरत कर लिया है, ऐसा ही व्यक्ति तत्पदम परिमार्गितव्यम, तब तत्व का चिंतन करने का अधिकारी बनता है। अब क्या तत्व का चिंतन है? अनेजदेकम मनसो जवीयो नैनद देवा आपनुवन पूर्वमर्षत तद्धावतो अन्यानत्ते तितिष्ठत तस्मिन् नपो मातरिश्वा दधाति। अनेजत, अनेजत में एजरु कंपनी नाम का धातु है, तो अनेजत माने जिसमें कंपन नहीं होता। ध्यान से सुनना, कंपन नहीं होना माने जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो एक ये शब्द ले लिया अनेजत, जिसमें परिवर्तन नहीं होता वह परमात्मा है। अब देखो ध्यान से सुनना, ये हम सबको मालूम है, लेकिन ये मालूम है ये मालूम नहीं। कैसे? अब कोई भी अहरा गहरा ना थू खहरा जब ध्यान की बात करता है तो पहली बात क्या करेगा? शांत बैठेगा, माने हिलना नहीं, यह ध्यान है। फिर सांस बहुत धीमे हल्की चले, ये ध्यान है। फिर मन में दुनिया के विचार न आवे, ये ध्यान है। माने हम सबको पता है परमात्मा वह है जिसमें गति नहीं है, अनेजत। और यह जो तत्व है ये हमको बाहर नहीं ढूंढना है, अपने अनुभूतियों का विश्लेषण करके उसमें से निकालना है। वेदांत की साधना माने अपने अनुभूतियों से सीखना। जो व्यक्ति अपने अनुभूतियों से सीख सकता है वही वेदांत का योग्य अधिकारी है। देखो श्रीमद् भागवत महापुराण के 11वें स्कंद में भगवान दत्तात्रेय का प्रसंग आता है। उनको पूछते हैं राजा यदु, ये आपके मस्ती की क्या सीक्रेट है, क्या राज है, किससे सीखा आपने? तो बोले हमने अपने गुरुओं से सीखा। गुरुओं से? अनेक गुरु है क्या? बोले हाँ। कितने गुरु है? जो दरिद्री होते हैं उनको एक लुंगी होती है, जो अमीर होते हैं उनको हजारों लुंगियां होती है। इसी प्रकार से जो दरिद्री है उनको एक गुरु होता है, और जो अमीर होते हैं उनको भगवान दत्तात्रेय को 2 दर्जन गुरु थे। देखो, और कौन से गुरु थे उनके? ध्यान से सुनना, गुरु शिष्य के रिश्ते में गुरु से ज्यादा महत्व शिष्य का होता है।
आज तक कोई भी गुरु किसी को कुछ नहीं सिखा सका, जब तक कि शिष्य सीखने को तैयार नहीं है, सीखने को सक्षम नहीं है, तब तक के गुरु कुछ नहीं कर सकता। हम बड़े प्यार से आदर से कहे कृष्णम वंदे जगत गुरु, अरे कृष्ण यदि जगत गुरु होते तो दुर्योधन दुशासन को क्यों नहीं सिखाया। देखो ज्ञान के आदान प्रदान में शिष्य जब सीखने को तैयार है तो गुरु भी उसको इनकार नहीं कर सकता। जैसे एकलव्य, एकलव्य को द्रोणाचार्य ने तिरस्कृत कर दिया था कि मैं तुमको स्वीकार नहीं करूंगा। उसने क्या कहा, हु केयर्स, मैं तो आपको गुरु मान के बैठा हूं, आप मानो न मानो। देखो संतो, इसीलिए यह जो एक एक चीज बताते हैं अनेजर, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं, तो ये अपने अनुभव में ढूंढना है, बाहर मत ढूंढो। तब पता चलता है देहिनोस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र नमुयति। देह में कितने परिवर्तन आके चले गए, हम ज्यों कहते हो। कभी इस पर चिंतन किया कि हमारा जो छोटा देह था इतना प्यारा था, जो भी आता हमको उठा लेता, हग करता, किस करता, बात करता, अब वो देह कहाँ चला गया। महात्म बनाओ, फिर जवानी का देह आया, खून उबलता था, गुंडागर्दी होती थी, अब वो देह चला गया, पता नहीं कहाँ चला गया। कभी महात्म बनाया है? देखो संतो, अपने अनुभूतियों का विश्लेषण करना यह आध्यात्मिक साधना है। अनेजर, एक एक अनुभूति में तत्व प्रकट होता है। केनोपनिषद कहती है कि प्रतिबोध विदितम मतम, हर एक अनुभूति में प्रभु का प्राकट्य स्पष्ट हो जाता है। देखो जैसे जिन जिन वस्तुओं को, व्यक्तियों को हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, ये सब आते जाते हैं, दृष्टि वही है। उसके बाद ये इंद्रियों में मान्यत्व पटुत्व आके चला जाता है, मन वही है, मन में अच्छे बुरे विचार आके चले जाते हैं, चैतन्य वही है। यह जो हमारी यात्रा है परिवर्तनों से हट करके, जो परिवर्तनों का आधार है, इस यात्रा को कहते हैं ध्यान देना, ध्यान करना नहीं। देखो अनेजत, अब इसमें एक समस्या ये आ जाती है, अच्छा तो मैंने तो अपने आत्मस्वरूप को पहचान लिया है लेकिन लोग नहीं पहचानते, चक्कर शुरू हो गया। देखो इसीलिए कहते एकम अनेजत एकम, एक माने हम अनेक की बात नहीं कर रहे। जैसे शब्द अनेक है और शब्द का अभाव एक है, ध्यान से सुनना, लेकिन शब्द और शब्द का अभाव फिर दो हो गए। यदि शब्द होगा तो शब्द का अभाव नहीं होगा, यदि शब्द का अभाव होगा तो शब्द नहीं होगा, ये एक दूसरे की विरोधी है। क्या परमात्मा विरोधी है? नहीं। फिर जो शब्द को भी प्रकाशित करता है और जो शब्द के अभाव को भी प्रकाशित करता है, जो भाव अभाव के परे है, वह अपना स्वरूप है और वो केवल एक हो सकता है। देखो अनेजद एकम, मनसो जवीयो, जो मनसहा जवी, यहां जो मन से ही ज्यादा तेज दौड़ता है। देखो हमारा मन देखो कितनी स्पीड से जाता है। आप सब लोग यहां बैठे, हम ये चिंतन करें कि अमेरिका में अभी जो
प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का होने का है दो दिन के बाद, वहां कैसे चल रहा होगा माहौल? पहुंच गए अमेरिका विद ए क्लिक ऑफ ए माउस. कितनी तेज है मन की गति, मनसो जवीयो. ये मन से भी दौड़ता है तेज. भाई आप तो कॉन्ट्रडिक्शन कर रहे, कहते हैं ये कहीं जाता आता नहीं, अब कहते जाता भी है. देखो आप कैसे आए महाराज इस सत्संग के लिए? हम गाड़ी में बैठ के आए. अरे बैठ के आदमी चल सकता है क्या? नहीं चल सकता. फिर आप गाड़ी में बैठ के कैसे आए? गाड़ी चली रे बाबा, हम तो बैठे थे. देखो कॉन्ट्रडिक्शन. उपाधि के दृष्टि से जो परिवर्तनशील लगता है, लेकिन निरुपाधिक दृष्टि से जिसमें परिवर्तन नहीं होते, वह अपना स्वरूप है. मनसो जवीयो, क्योंकि जहां मन पहुंचेगा वहां हम ऑलरेडी है. अनेजनेकम मनसो जवीयो न एन देवाहा आप्नुवन. देव माने द्योतनाथ, जो प्रकाशित करते हैं वो देव है. ध्यान से सुनना, ये प्रकाश शब्द का अर्थ इतना गलत प्रकार से हम लोगों के दिमाग में गया है. कल भी जो सत्संग हुआ था तो एक सज्जन ने पूछा था, क्या वहां सूर्य का प्रकाश नहीं होता? हमारे लिए प्रकाश माने ये जो दिखता है ये प्रकाश, इसको प्रकाश नहीं कहते शास्त्र की भाषा में. प्रकाश माने जो प्रकाशित करता है वो प्रकाश. अब शब्द को कौन प्रकाशित कर रहा है? आंखें नहीं, कान प्रकाशित कर रहे हैं. स्पर्श को कौन प्रकाशित कर रहा है? आंखें नहीं, हमारी त्वगेंद्रिय प्रकाशित कर रही है. गंध को कौन प्रकाशित कर रहा है? हमारी घ्राणेन्द्रिय प्रकाशित कर रही है. देखो तो यह सूर्य का प्रकाश दुनिया को प्रकाशित कर रहा है, मान लिया. सूर्य को कौन प्रकाशित कर रहा है? हमारी आंखें. तो हमारे आंखों का प्रकाश सूर्य प्रकाश से तेज है. देखो, और इन आंखों के दृष्टि को कौन प्रकाशित कर रहा है? मन प्रकाशित कर रहा है. तो मन का प्रकाश इंद्रियों के प्रकाश से तेजपुंज है. और ये मन के प्रकाश को कौन प्रकाशित कर रहा है? चैतन्य प्रकाशित कर रहा है. ये कहते हैं प्रकाश. इसीलिए न एन देवाहा, जो प्रकाशित करने वाले जितने भी उपकरण हैं, न एन देवाहा प्राप्नुवन. इंद्रियों का जहां व्यापार नहीं है वो अपना स्वरूप है. अब देखो सिंपल बात है, रूप रंग को हमारी आंखें देख रही है, इस पुस्तक को हमारी आंखें देख रही है. क्या ये पुस्तक हमारी आंखों को देख सकता है? दूसरी बात, हमारा मन हमारी आंखों को देखता है, ठीक नहीं दिखता, चश्मा लगाना पड़ेगा क्या? ये कौन जान रहा है? आंखें नहीं जान रही, मन जान रहा है. तो हमारा मन कैसा है? कभी किसी की आंखें ने देखा है? ओह मेरा मन राउंड है, मेरे मन में पिंक कलर है. तुम लड़की हो ना, मेरे घर में ब्लू कलर है, मैं लड़का हूं. नहीं, मन को ना आकार है, ना रूप है, ना रंग है. और आंखों की क्षमता कहां है? केवल रूप रंग में. देखो कितनी सरल बात है. इसी प्रकार से ये जो मन है, जिस चैतन्य की अभिव्यक्ति है, ये मन उस चैतन्य को कभी ग्रहण नहीं कर सकता. तो साधना क्या हो गई? जहां आपने विषयों का त्याग कर दिया, इंद्रियों में आके बैठे. इंद्रियों का त्याग कर दिया, मन में आके बैठे. मन का त्याग करना माने असंग शस्त्रे न दृढ़े न चित्वा. जहां मन का त्याग कर दिया, आप स्वरूप में आके बैठे. इसको समझने का प्रयत्न मत करना.
ये समझदारी का विषय नहीं है। जिस अनुभव में समझ और ना समझ, जानना और नहीं जानना, होना और नहीं होना, ये सभी सापेक्षिक द्वंद्व, इनका अभाव होता है, वो अपना स्वरूप है। देखो, जगत के किसी भी ज्ञान को आप ले लो, जो ज्ञान इंद्रिय और मन बुद्धि के माध्यम से ग्रहण होता है, उस ज्ञान में आपको है या नहीं है यह ऑप्शन बना रहता है। जैसे हमारे हाथ में अब क्या है, पुस्तक है, उसके बाद हमने निकाल लिया। अब हमारे हाथ में पुस्तक नहीं है, तो जगत के किसी भी अनुभूति में देखो आप, है या नहीं है यह ऑप्शन हमेशा बना रहता है। इस समय हम कमरे के अंदर है, बाहर नहीं है। इस समय दिन है, रात नहीं है। देखो, यह भारतवर्ष है, अमेरिका नहीं है। जिस ज्ञान में यह ऑप्शन नहीं, वो अपना स्वरूप है। अब देखो, कौन से ज्ञान में ऑप्शन नहीं है, मैं हूं या मैं नहीं हूं, इसमें ऑप्शन नहीं है। यदि मैं हूं या मैं नहीं हूं, इसमें ऑप्शन नहीं है, तो मैं हूं ये कहना कितनी बेवकूफी होगी। तो फिर हम है नहीं है, अस्ति नास्ति, इस ज्ञान के परे जो तत्व है वो अपना स्वरूप है। नैन देवा आपनुवन पूर्वमर्षक, क्योंकि इन सब के परे वो है पूर्वमर्षक। तद धावतो अन्यान अत्येति तिष्ठत, तद अन्यान धावतः, जो भी जगत में परिवर्तनशील जगत है, अत्येति, ये सभी परिवर्तनों का आधार होते हुए भी किसी भी परिवर्तन से जो प्रभावित नहीं होता, अत्येति तिष्ठत, वो ज्यों का त्यों है। देखो संतो, जितनी सूक्ष्मता बढ़ेगी ना हमारे चिंतन की, उतने एक एक क्षण में आपको तत्व का दर्शन होता है। देखो, विषय अनेक है, इंद्रिय ज्यों की त्यों है। इंद्रिय में मान्यत्व पटुत्व है, मन ज्यों का त्यों है। मन में अच्छे बुरे विचार है, इन अच्छे बुरे विचारों को प्रकाशित करने वाले ही चैतन्य एक ही है। यह अनेक से एक के तरफ की जो यात्रा है, इसको कहते हैं ध्यान देना, ध्यान करना नहीं। ध्यान करने लगोगे तो परेशान हो जाओगे। तद्धावतो अन्यान तेति तिष्ठत, तस्मिन् नपो मातरिश्वा ददाति। तो इस परमात्मा में मातरिश्वा माने हिरण्यगर्भ, समष्टि इस जगत का मानो निर्माण करता है। महत्व का शब्द है मानो, मानो निर्माण करता है माने हुआ कुछ नहीं आज तक, ना कुछ पैदा हुआ है ना कुछ नष्ट हुआ है। देखो, एक बार एक बच्चा हमको अपने कमरे में ले गया, अमेरिका की बात है, और कहने लगा, स्वामी जी मेरे पास आओ आप, मैं आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाऊंगा। उसके कमरे में हम गए, उसने वो प्लास्टिक के ब्लॉक्स होते हैं ना, उसकी काफ़ी चीज़ें बना के रखी थी, लेगो जिसको कहते हैं, उससे काफ़ी बना के रखी थी, मकान, दुकान, गाड़ी, हवाई जहाज और बगीचा, पुल, सब पूरा का पूरा बना के रखा था। हमने कहा देख के क्या करो, मुझे तो तुम दोगे नहीं, क्या करो देख करके। बोले नहीं नहीं आप ले जाओ, क्या चाहिए आपको ले जाओ। हमने कहा देखो मेरे पास घर नहीं रहने के लिए, मैं एक घर ले जाता हूँ। बोले ले जाओ, सो सिंपल। तो जब मैं उठाने लगा, बोले एक मिनट रुको, क्या
मेरे जो ब्लॉक्स है वो मैं निकाल लेता हूं, घर आप ले जाओ। अब देखो, यदि वो ब्लॉक्स निकाल लिए तो घर रहेगा क्या? और यदि ब्लॉक्स निकाल लिए तो घर मरा क्या? नहीं। जैसे हमारा फूलों की माला होती है, हम माला की कितनी भी तारीफ करें, लेकिन माला नाम की कोई वस्तु है? फूलों को एक धागे से इकट्ठा करके रखा, उसको माला कहते हैं। यदि धागे को काटो और फूलों को अलग कर लो और उसका वजन लो, पहले काटने के पहले काटने के बाद कोई फर्क पड़ेगा? तो क्या नष्ट हुआ? देखो संतो, तो माला नाम की जो वस्तु है ही नहीं, तो उसका नष्ट होने का सवाल आया कहां? देखो, जब मैंने अपने पत्नी से डाइवोर्स ले लिया तो पति मरा क्या? नहीं मरा, क्योंकि पति नाम की चिड़िया है ही नहीं। वो जो है नहीं वो दुखी हो रहा है, इससे बड़ी बेवकूफी क्या हो सकती है? देखो संतो, नयन देवा आप्तवन पूर्व मर्षत तद्धावतो अन्यान तेतिष्ठर तस्मिन अपहा मातरिश्वा ददाती। इस परमात्मा में यह अनेकता की भ्रांति केवल कल्पित मात्र है, सत्य नहीं है। जिस वस्तु को हमने एक सत्य नहीं है इस प्रकार से स्वीकार किया है, उस वस्तु को लेकर के आदमी परेशान नहीं होता। देखो, दो चीजों से मन में इच्छा निर्माण नहीं होती। एक चीज, किसी वस्तु को हमने मिथ्या के रूप में स्वीकार किया तो उस मिथ्या वस्तु के प्रति इच्छा निर्माण नहीं होती। देखो, जैसे हमको मृग तृष्णा दिखती है गर्मी के दिनों में दोपहर के समय, तो मृग तृष्णा मिराज वाटर्स उसको देखने के पश्चात कभी मन में आता है क्या कि एक बोतल लेके चले जाए, घर में पीने में काम आएगा? नहीं। उसी प्रकार से जो अनंत है, अनंत की इच्छा नहीं होती। उदाहरण ले लो, एक बार विशाखापट्टनम में हम जा रहे थे समुद्र के किनारे, थोड़ी पहाड़ी थी, नीचे समुद्र था, और हमने हमारे मित्र को कहा रुक जाओ भाई एक मिनट, वो रुक गए और हम नीचे उतरे और समुद्र को देख रहे थे। सूर्यास्त हो रहा था, शाम का समय था, तो सूर्य का प्रतिबिंब एक बड़े खंभे के जैसा पूरा पानी में खड़ा था और सूर्य सामने ऐसा आकाश में लटका हुआ है, और पक्षियों की एक सुंदर माला उस समय उस दिशा में ऐसी उड़ के जा रही थी, तो पूरा का पूरा चित्र इतना सुंदर था कि एकदम वहां व्यक्ति का ध्यान लग जाए, तो मैं वहां जाके खड़ा हो गया, बड़ा आनंद। और फिर वो पक्षी भी चले गए, सूरज भी डूब गया, फिर हम निकल पड़े। दूसरे दिन जब हम जा रहे थे तो हमारे मित्र ने फिर वहां रोका, क्यों रोका भाई? बोले स्वामी जी, कल आपको अच्छा लगा था, हमने कल का कल खत्म, आपको फिर नहीं? बिल्कुल नहीं। देखो, जब समुद्र को देखते तो कभी ऐसा लगता है क्या चलो समुद्र अपने घर ले जाए, लेकिन उसी समुद्र का कहीं चित्र हो तो ऐसे लगता है उसको घर ले जाए। इच्छा हमेशा परिच्छिन्न वस्तु की होती है, परिपूर्ण की इच्छा हो ही नहीं सकती। मन हमेशा छोटी बातों में फंसता है, अनंत में मन डिसॉल्व हो जाता है। इसीलिए इस जगत को जब सत्य मानोगे तो परेशान रहोगे। ये दुनिया हमेशा ऐसी ही रही है, इसमें ना कोई दोस्त है ना कोई दुश्मन है। आगे इस तत्व के चिंतन को बढ़ाते हैं, पांचवें मंत्र में, तदेजति तन्नयजति तद्दूरे तद्वदन्तिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः। तद एजति, तद आत्मतत्वम यद प्रकृतम तद एजति चलति तदेव च न एजति स्वतः न एव चलति स्वतः अचलम एव सत् चलति इव इत्यर्थः। तद एजति, यह परमात्म तत्व हमेशा चल रहा है मानो, न एजति वो चल भी नहीं रहा है। देखो,
एक एक्सपेरिमेंट करके देखें। एक बर्त एक गिलास में थोड़ा पानी ले लें और वो गिलास को यहां से यहां ऐसा हिलाया तो पानी हिल रहा है, इधर गया तो पानी इस गिलास में है, गिलास उधर गया तो पानी उसी गिलास में है, तो गिलास के हिलने से पानी भी हिल रहा है। अब दूसरा गिलास लो, उसमें पानी मत डालो, उसमें आकाश तो है ही। अब जब हम वो गिलास को हिलाएंगे तो क्या उसमें रहने वाला आकाश, क्या आकाश हिल रहा है? चिंतन करो, कैसी गजब की बात है। हिलना आकाश में हो रहा है, आकाश नहीं हिल रहा है। तो जब हम उपाधि के दृष्टि से देखते हैं तब लगता है कि परिवर्तन हो रहा है, जब निरुपाधिक देखो तो परिवर्तन नहीं हो रहा है। इसी प्रकार से जब अपने को देह मानेंगे तो परिवर्तन हो रहा है, और अपने स्वरूप को पहचान लो तो परिवर्तन नहीं हो रहा है। देखो ये बड़ी सुंदर बात है। सभी देश कहते हैं इंडियन स्पेस, इंडियन स्पेस माने भारत वर्ष के नक्शे के ऊपर में जो आकाश है वो इंडियन स्पेस है, उसमें से पाकिस्तान के हवाई जहाज को जाना मना है। बहुत बढ़िया बात है। अब ये पृथ्वी जो है वो खड़ी तो नहीं है, वो घूम रही है, तो जब वो घूम रही है तो इंडियन स्पेस भी घूम रही है क्या? उसके साथ आकाश, ये पृथ्वी घूमी तो स्पेस भी घूम रही है क्या? उपाधि के तरफ ध्यान दो तो हम कहेंगे सब बदल रहा है, और जिस पर उपाधि थोपी गई है उसके तरफ ध्यान दो तो कुछ नहीं बदल रहा है। ये सिद्धांत तो अपने में लगा लो। उपाधि पर ध्यान दो, पहले हम गरीब थे उपाधि पैसे की, पहले हम अकेले थे अब शादीशुदा हो गए उपाधि पत्नी की, पहले हम स्वस्थ थे अब रोग हो गया उपाधि स्वास्थ्य की, पहले हम जवान थे अब बूढ़े हो गए उपाधि देह की। तो जहां हमारा ध्यान उपाधि की तरफ रहेगा केवल परिवर्तन ही नजर में आएगा, और जिसकी उपाधि है वो ज्यों का त्यों। तदेजति तन्नएजति तद्दूरे, और यह परमात्म तत्व उसके लिए बहुत दूर है जो इस उपाधि में फंसा है। अज्ञानी के लिए परमात्मा बहुत दूर है, ज्ञानी के लिए तन न दूरे, ज्ञानी के लिए परमात्मा उसका स्वरूप है, इसीलिए तद्दूरे तद्वदंति के। अब इसका ऐसा समझो, स्पेस या आकाश हमसे दूर है या नजदीक है? यदि हमारा ध्यान सूर्य के तरफ होगा या मंगल ग्रह के तरफ होगा तो हम क्या कहेंगे? आकाश बहुत दूर है। और यदि हमारा ध्यान वो स्पेस, वो खालीपन जो हमारे खोपड़ी में है वहां होगा तो आकाश बड़ा नजदीक है, खाली है। यह दूरी और नजदीकी ये व्यक्ति की समझ पर अवलंबित है। इसीलिए हम न जानते हुए भी जानते हैं कि जहां हम गए भगवान के सामने अपने आप हाथ जुड़ जाते हैं, आंखें बंद हो जाती है दो क्षण के लिए, क्योंकि सबको पता है कि जिसको ढूंढने के लिए इतनी दूर आए वो अंदर ही है, बाहर कहीं नहीं। एक सज्जन बद्रीनाथ आए और उनके पोता या लड़का कोई उनको ले आया, दक्षिणी थे और अखंड नारायण 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 जप कर रहे थे, और बुढ़ाऊ थे, बड़े मुश्किल से
आए और जैसे भगवान बद्रीनाथ के सामने खड़े हो गए दरवाजे पर ही, बस वो आकर के उन्होंने हाथ जोड़े, आंखें बंद करी, नारायण नारायण, और वही प्राण त्याग दिए। देखो इतना दूर से तद्दूरे, और उनको प्रभु के दर्शन कहाँ हुए? तदंतिके। देखो संतो, इसीलिए भगवान शंकराचार्य कहते हैं कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालनम अथवा दानम ज्ञान विहीन सर्वमतेन भजति न मुक्तिम जन्म शतेन। और हम अपने से दूर कब भटकते हैं? ध्यान से सुनना, हम अपने से दूर जाते हैं जब विचारों की कार पर बैठते हैं तब। विचार हमेशा अन्य के बारे में आते हैं। देखो जैसी आंखें हमेशा अन्य को देख सकती है, आंखें अपने आप को नहीं देख सकती, इसी प्रकार से मन हमेशा अन्य के बारे में विचार करेगा। जहां इस मन को अपने स्वरूप की तरफ मोड़ दिया, वहां ये मन वैसे ही गायब हो जाता है जैसे बर्फ का टुकड़ा यदि समुद्र में गिर जाए तो धीरे धीरे समुद्र के साथ एक हो गया। इसी प्रकार से जहां हमने आवृत्त चक्षु अमृतत्वम इच्छन, इसीलिए ध्यान की प्रक्रिया में यही बताते हैं, पहले तस्मात्वम इंद्रियाणि आदो नियम्य भरतर्षव, हे अर्जुन पहले अपने इंद्रियों का नियमन करो, उसके बाद अपने मन का नियमन करो, उसके बाद अपने बुद्धि को गलत चीजों में समर्थन देने की जो आदत है उससे छुटकारा दिलाओ। और जब हम अपने इंद्रिय मन बुद्धि इन तीनों के प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे तो जो नित्य उपलब्ध तत्व है उसकी अनुभूति अपने आप प्रकट हो जाएगी, उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ेगा। तो तदेजति तन्नेजति तद्दूरे तद्वदन्तिके तदंतरस्य सर्वस्य। ये ऐसा नहीं कि साधु संत जो है उनमें भगवान 100% होते हैं और चोर उचक्कों में 20-30% होते हैं, ऐसा नहीं होता। परमात्मा सब में एक ही है, उसका जो प्राकट्य है उपाधि के अनुसार भिन्न है। जैसे उदाहरण ले लो बिजली का, अब ये बिजली कोई भी बल्ब रहे उसमें एक ही बिजली है, ऐसे थोड़ी है कि जो बल्ब भगवान के विग्रह को प्रकाशित कर रहा है वो बड़ा पुण्यवान है भाग्यवान है और उसमें आध्यात्मिक बिजली प्रकाशित हो रही है, और दूसरा बल्ब टॉयलेट में है तो महापापी है और उसमें गंदगी की बिजली प्रकाशित कर रही है। देखो उसी प्रकार से ये बल्ब भगवान के सामने क्यों है? खामोखाम प्रश्न, इसलिए मैं इंटरेस्ट नहीं लेता प्रश्नों में। स्वामी जी ये बल्ब मंदिर में क्यों है और वो बल्ब टॉयलेट में क्यों है, कोई जरूरत है जानने की? ये उत्तर तो देना ही है, फिर हम क्या उत्तर देंगे? देखो ये बल्ब जो है ना, इसने पिछले जन्म में पुण्य कर्म किए होंगे इसीलिए ही जन्म में मंदिर में आ गया, और वो जो बल्ब है ना पिछले जन्म में महापापी होगा टेररिस्ट होगा इसीलिए टॉयलेट को प्रकाशित कर रहा है गंदा कहेगा। अब बातें हो रही है, उतने में मंदिर का बल्ब फ्यूज हो गया। अरे स्वामी जी क्या हो गया? भगवान अच्छे को बुला लेता है, बेवकूफी की हद है। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन अब क्या करे? अब क्या करना क्या है? यही क्या निकालो यहाँ टॉयलेट का बल्ब यहाँ लगा दो, फिर टॉयलेट का निकाला यहाँ लगा दिया, लेकिन ये बल्ब यहाँ क्यों आया? कोई पुण्य कर्म किए हो गए उदय हो गए। अरे रामा, ये कार्य कारण के चक्कर से अपने आप को बचाओ। जब ध्यान स्वरूप की तरफ रहता है, ऐसा क्यों हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ छोड़ो। गाना मालूम है ना आपको, किशोर कुमार का है,
यदि आपको जीवन में सुखी रहना है तो दो शब्दों का त्याग कर दो जीवन से, दो शब्द केवल। एक शब्द है व्हाई, क्यों, दूसरा शब्द है हाउ, कैसे। इन दो शब्दों को उच्चारण ही नहीं करना। अब प्रश्न पूछ के देखो आप, यू कैन नॉट आस्क ए क्वेश्चन। तो जब कहा कि नेवर यूज द वर्ड व्हाई एंड हाउ, उस पर फिर प्रश्न आएगा, बट व्हाई एंड हाउ, और होल लाइफ इज हाउलिंग एट द लाइफ बाय वाइलिंग अवे एट द लाइफ। देखो संतो, ये मनीराम इसी प्रकार से हमको परेशान करते हैं। इसीलिए तदंतर से सर्वस्य, वो सभी का एक ही आधार होते हुए भी तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः, ध्यान से सुनो, बल्ब यदि फ्यूज हो जाता है तो उसकी बिजली को कोई हानि है क्या? नहीं। दूसरी बात, बल्ब जब फ्यूज हो जाता है तो उसमें का जो लाइट था, क्या वो लाइट इस बल्ब से निकल करके दूसरे बल्ब में जाता है? नहीं। तो बिजली के जगह में परमात्मा को रख लो, बल्ब के जगह में आप और हम है, लाइट के जगह में लाइफ है। अब हो गए तीन चीजें। अब हम अपनी आंखें क्या है, दृष्टि क्या है, दृष्टि उस लाइफ की आंखों से अभिव्यक्ति है। अब आंखें जब भगवान के विग्रह का दर्शन करती है तो क्या वो पवित्र है? और वही आंखें जब कूड़े करकट को देखती है, क्या वो अपवित्र होती है? देखो संतो, आंखों ने चाहे भगवान के विग्रह को प्रकाशित किया हो, चाहे कूड़े करकट को प्रकाशित किया हो, आंखों पर उसका कोई प्रभाव नहीं है। ये सूक्ष्मता से जब हम जिएंगे तब पता चलेगा, जो आधार होता है वो आधेय के द्वारा प्रभावित नहीं होता। जो प्रकाशक होता है, जिसको प्रकाशित किया जाता है, उसके द्वारा प्रभावित नहीं होता। इसीलिए तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः, सबका आधार होते हुए भी ये किसी के द्वारा प्रभावित नहीं होता, यही अपना स्वरूप है। देखो तो ये जो आसक्ति कहते हैं, आसक्ति नाम की वस्तु नहीं है। आसक्ति ये एक मूर्खता की पराकाष्ठा है। देखो आप देखते होंगे ना, जब कोई मर जाता है दो में से एक, तो जो जिंदा रहता है उसके डायलॉग सुनो उस समय, अब उसके सिवा मेरा कैसा होगा, मैं कैसे रहूंगा, उसके सिवा मैं तो नहीं रह सकता। तो बाकी के लोग, सुनने वाले लोग खुश होते, चलो ये भी जाएगा तो अच्छा है, लेकिन वो जाता ही नहीं। अरे उस दिन तो तुम कह रहे थे इसके सिवा मैं जी नहीं सकता, मर नहीं रहे अभी। देखो बैटिंग चलती रहती है, खत्म नहीं होती। इसीलिए संतो, ये आसक्ति विसक्ति कुछ नहीं है, ये कल्पना मात्र है। आंखें रूप रंग को आसक्त नहीं है, केवल प्रकाशित है। कान शब्द को आसक्त नहीं है, केवल प्रकाशित करते हैं। मन वृत्तियों को केवल प्रकाशित करते, किसी एक वृत्ति को पकड़ के नहीं रखते, इसीलिए बंदर के जैसा मन दौड़ते रहता है। उसी प्रकार से शुद्ध चैतन्य जागृत स्वप्न सुषुप्ति समाधि चारों को प्रकाशित करता है, ना जागृत को पकड़ के रखता है, ना स्वप्न को, ना सुषुप्ति को, ना समाधि को। कहां है आसक्ति? जो आसक्ति नहीं है उसके कारण दुखी हो रहे। लो ये सब समझदारी का चक्कर है महाराज। इसीलिए तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः, यह जो परमात्मा तत्व है वो सबका आधार होते हुए भी किसी के भी द्वारा प्रभावित नहीं होता, यह वास्तविकता है। हमको कुछ करना नहीं है, ये करने का रोग निकाल डालो दिमाग से। चलो मेडिटेशन करेंगे, और क्या मेडिटेशन करेंगे? आपने सबने उसके मारे जरूर हो गया, और उसके भी इतने नाटक चलते हैं। मेडिटेशन के लिए सेपरेट आसन होते हैं, उसके पश्चात बाबा जी आके बैठे और बाकी पब्लिक भी बैठी,
और फिर बढ़िया वहाँ शांत पवित्र वातावरण होता है, एकदम ऐसे लगता है कि हॉस्पिटल में आ गए, क्लीन और नीट। उसके पश्चात पहली बार दरवाजा बंद कर दो, बाहर बोर्ड लगा दो, मेडिटेशन इन प्रोग्रेस, टेक ए डिटूर, डोंट डिस्टर्ब। फिर बाबा जी बैठने के बाद लाइट ऑफ कर दो। अब मेडिटेशन करना कोई गलत कार्य है क्या कि अंधकार में करना चाहिए? नहीं नहीं नहीं, अंधकार करो। अब अंधकार क्यों करो? इसीलिए कि गुरु महाराज और शिष्य महाराज दोनों सो सके, कोई कारण नहीं है। देखो संतो, और फिर मैं घंटी बजाता हूं मेडिटेशन शुरू करना, जब दूसरी घंटी होगी तो मेडिटेशन ओवर, ठीक है, टन 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 टन, मेडिटेशन ऑन। फिर क्या मेडिटेशन होगा? दूसरी घंटी कब बजने वाली है? ये सब कार्टून होते हैं, इससे कुछ नहीं लेना देना तत्व के साथ। और फिर कई जगह में ऐसे भी हमको प्रश्न पूछते हैं, स्वामी जी हम जब जाते हैं ध्यान के लिए हमारे गुरु महाराज के पास, तो कई लोग ऐसा ऐसा करते हैं बीच में, ये क्या होता है? ये कुंडलिनी जागृति है क्या? ऐसा झटके लगते हैं उनको। हमने कहा नहीं, ये इसको कहते हैं झटका मेडिटेशन, क्योंकि नींद आ गई ना बीच में। मन को कभी निर्विचार रखना सीखा ही नहीं, हम एक्सट्रीमिस्ट है। यहां तो मन में विचारों का तूफान होगा, अनेक आग्रह, या मन में एक भी विचार नहीं होगा, शून्याग्रह। शून्याग्रह जब मन होगा तो सुषुप्ति अवस्था प्रारंभ हो जाती है, और अनेक आग्रह होगा तो मन में तूफान आए। मन एकाग्र हो माने जिसमें अनेक विचारों की समस्या नहीं है और नींद का अभाव है, ऐसे शांत एकाग्र जागृत और सावधान मन में रहने के बाद ही आत्मचिंतन हो सकता है। चित्तवृत्ति निरोध के चक्कर में मत पड़े। चित्तवृत्तियों से डरना क्यों? आंखें खुलती है, सबको देखते हैं तो क्या बुरी बात है? कान खुले हैं तो सब सुनते हैं तो क्या खराब बात है? मन में विचार आते हैं तो डरना काहे का? विचार मन में नहीं आएंगे तो क्या नाक में आएंगे? नहीं नहीं नहीं, चित्तवृत्ति निरोधः योगः। तो जितने भी योगी है उनको किसी और की कसम खा के बोलो वरना, कि वास्तव में कभी चित्तवृत्ति निरोध हुआ है? इस चक्कर में मत पड़ो। गलत विचारों के कारण यदि हम परेशान हैं, तो विचारों को ठीक करने से ही हमारा उद्धार हो सकता है। विचारों को बंद करने से नहीं हो सकता। और यही बात न समझने के कारण जब लोग दुखी होते हैं तब चलो देवदास बन गए, और फिर लिक्विड स्पिरिचुअलिटी शुरू हो जाती है। और लिक्विड स्पिरिचुअलिटी में क्या है, मन को जबरदस्ती से केमिकल मेडिटेशन में लगा दिया, और जैसे वो पूरा का पूरा शरीर से निकल गया ड्रिंक, उसके बाद फिर वही तंबाकू वही चूना, जाऊं तो जाऊं कहां, बाड़ में जाओ। देखो संतो, मन से डरो मत, मन को नियंत्रण में रखना है। ये न समझने के कारण इस मेडिटेशन के चक्कर में जितने लोग दुखी है उतना कोई दुखी नहीं। उसी प्रकार से ये सो कॉल्ड स्पिरिचुअल पीपल महादुखी है। एक बार मैं भिक्षा के लिए एक कटोरी लेकर के एक चर्च के बाहर खड़ा रहा, प्रेयर हो रही थी कि कुछ पैसा दे देंगे, कुछ दे दो कुछ दे दो, किसी ने एक पैसा नहीं दिया। फिर वहां से हटा, एक मस्जिद के बाहर खड़ा हो गया, हजारों की तादाद में लोग वहां नमाज पढ़ रहे थे, मैं बाहर खड़ा रहा, किसी ने एक पैसा नहीं दिया। फिर एक मंदिर के बाहर चला गया, वहां खड़ा रहा घंटों तक, किसी ने एक पैसा नहीं दिया, सब चले गए। फिर मुझे बड़ा गुस्सा आया, गुस्सा आने के बाद मैं एक पब जो था दारू का दुकान
जहां लोग पीते थे वहां बाहर जाके खड़ा हो गया लेकर के, आधे घंटे में मेरी कटोरी भर गई। तो मैंने भगवान को कहा, भगवान आपने अपना एड्रेस गलत क्यों दिया है? देखो संतो, भगवान को यदि प्राप्त करना है तो केवल आत्म रूप से ही प्राप्ति हो सकती है। अनात्म रूप से परमात्मा की उपलब्धि में एक तो कामना जिंदा रहेगी, दूसरी आप चैतन्य होगे, आपका भगवान जड़ हो जाएगा, तीसरी अन्य के कारण भय होता है, द्वितीयात भयम भवती। तो भगवान से हमको डरना थोड़ी है, प्यार करना है, और प्यार अपने से होता है, अन्य से नहीं होता। देखो तदेजति तन्न एजति तद्दूरे तद्वदन्ति के तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः। इस विचारधारा के द्वारा जब हम अपनी आध्यात्मिक साधना करते हैं तब क्या होगा, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्नेवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं न ततो विजुगुप्सते। ये श्लोक अनेक उपनिषदों में आया है, भगवत गीता के भी छठवें अध्याय में आया है। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मन्नेवानुपश्यति सर्वभूतस्थम आत्मानं न ततो विजुगुप्सते, ये ईशावास्य है। वहां आते हैं कि ईक्षते योग युक्त आत्मा सर्वत्र समदर्शन, पहले लाइन वही है, कैवल्य उपनिषद में भी यही मंत्र आता है। इसमें कहते हैं यहां तू सर्वाणि भूतानि आत्मनि एव अनुपश्यति, जो व्यक्ति सभी को अपने में देखता है। देखो अब अपने में सबको कैसे देखना, ध्यान से सुनना ये बात, भगवान के अनुग्रह से जब क्लिक हो जाती है ना तभी हो सकता है, बुद्धि से विचार करने से नहीं होती। नैषा तर्केण मति रापनेया, ये बात हमको समझ में आ गई। एक बार गुजरात में हम किसी के यहाँ गए थे और बहुत थके हुए थे, दौड़ा भागी करते करते हमने कहा यार अभी हम सो जाएंगे, शाम को लेक्चर है, तो नहीं तो मैं लेक्चर में सो जाऊंगा, तुम लेक्चर देना। नहीं नहीं स्वामी जी, थोड़ी देर के लिए चलना है हमारी फैक्ट्री में। हमने कहा यार मैं मर रहा हूँ, कहाँ फैक्ट्री में, बोले थोड़ी देर के लिए, प्लीज डोंट से नो, मैंने सब बंदोबस्त करके रखा है, अब मानना तो पड़ता ही है। हम गए वहाँ, वहाँ जाने के बाद हमको अच्छा लगा। विशेषता उस फैक्ट्री की ये थी कि केवल फ्रंट डेस्क में बैठने वाला व्यक्ति नॉर्मल था, बाकी जितने भी काम करने वाले थे उस फैक्ट्री में सभी के सभी फिजिकली चैलेंज थे। किसी को पोलियो हो गया था, कोई अंधा था, कोई स्पास्टिक था, कोई बहरा था, कोई गूंगा था, सब के सब 100% चैलेंज लेबर। और उनकी फैक्ट्री थी प्लास्टिक के जो टाइल्स बनाते हैं ना, जो बांधने के लिए एक बार इस्तेमाल करके फेंक दो, वो टाइल्स वो बनाते थे। तो जब मैं देख रहा था तो एक बड़े हॉल में मुझे ले गए वो, वहां बड़ी बड़ी मशीनें थी, जोर जोर से आवाज कर रही थी, ढान 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 करके। तो मैंने बोला हाँ बहुत बढ़िया, चलो बाहर। बोले नहीं दो मिनट रुको। मैंने क्या रुकना है यार, इतनी जोर से आवाज हो रही है, फिर मैं आपको को समझाता हूं। तो फिर मैंने उनको धक्का दिया, बाहर निकल आए। हमने कहा यार यू डोंट टेक मी फॉर ए राइड, ओके, मैंने बता दिया। फिर उन्होंने कहा स्वामी जी मैं यही चाहता था कि आप थोड़े परेशान हो जाओ। उन्होंने कहा मैं परेशान हो गया और ज्यादा मत करना। फिर उन्होंने कहा कि आपको कैसे लगा? हमने लगना क्या है, बेचारे लेबर यहाँ काम करते इतनी भयानक आवाज में उनका सर फट जाता होगा। बोले स्वामी जी यही तो मुझे आपको बताना था, इतनी सभी मशीनों के पीछे जो काम करने वाले लेबर है सभी के सभी बहरे है। लो तो वो 8 घंटे यहां खड़ा होके काम करते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। हमको थोड़ा गड़बड़ हो गया, डिस्टर्ब हो गए। उस दिन ये सिद्धांत मुझे प्रकट हो गया, ध्यान से सुनना,
शब्द की सत्ता श्रवणेन्द्रिय में होती है, रूप रंग की सत्ता अपनी दृष्टि में होती है, इंद्रियों की सत्ता मन में होती है और मन की सत्ता परमात्मा में है। यदि आपने अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण किया तो जगत के विषय आपको परेशान नहीं कर सकते। यदि आपने अपने मन पर नियंत्रण किया तो इंद्रियां आपको गुलाम नहीं बना सकते। और यदि आप अपने स्वरूप में निष्ठावान होकर के रहो तो ये मन डिस्टर्ब है, मन मानता नहीं, डिप्रेशन में गए हैं, ये बकवास हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। ये जो मार्ग है, विषयों से हटो, इंद्रियों में आओ, इंद्रियों से हटो, मन में आओ, मन से हटो, चैतन्य में चले जाओ, यही एक मार्ग है। यही बात यहां कहते हैं, यस्तु सर्वाणी भूतानि आत्मनि एव अनुपश्यति। अब देखो, जगत के सभी रूप रंग कहाँ है? हमारी आंखों में है। हमारी आंखें कहाँ है? हमारे मन में है। हमारा मन कहाँ है? चैतन्य में है। तो यही चैतन्य जीवन के रूप में प्रकट हुआ, यही जीवन मन के रूप में प्रकट हुआ, यही मन इंद्रियों के रूप में प्रकट हुआ और यही इंद्रिय विषय के रूप में प्रकट हो गए। देखो, ये जो टेलीस्कोपिक एंटीना होता है ना, कैसा खींचते हैं तो लंबा निकलता है, फिर उसको दबा दो तो फिर छोटा हो गया। इसी प्रकार से एक ही चैतन्य जब इसका एंटीना समझो निकल रहा है, पहला निकला तो जीवन के रूप में देह में प्रकट हो गया, फिर वहां से मन, फिर वहां से इंद्रिय, फिर वहां से विषय। ये पूरी दुनिया है कहां? केवल अपना ही विस्तार है। इसको जिसने समझ लिया है, इसको जिसने पहचान लिया है, कहते हैं ततः न विजुगुप्सते। विजुगुप्सता, विजुगुप्सा माने घृणा, द्वेष। हमारे अंतकरण से यह घृणा का, द्वेष का अग्नि हमेशा के लिए शांत हो जाएगा। देखो संतो, जिस अंतकरण में ना समझी, काम, क्रोध, लोभ, मोह, इन सब का अभाव हो गया है और जो सहज शांति प्रकट हो गई है, वही परमात्मा का दर्शन है। भगवान का दर्शन की कल्पना मत करना कि भगवान सामने आए बढ़िया पीताम्बर वगैरह सब पहन करके, लेकिन आश्चर्य लगा उनके हाथ में मुरली की जगह में टेनिस की रैकेट कैसी आ गई। इस चक्कर में मत पड़ना। परमात्मा का अनुभव केवल शांति प्रसन्नता से होता है। 18वें अध्याय में भगवान साधना की प्रक्रिया बताते हैं और फिर कहते हैं सब ब्रह्म भूयाय कल्पते। वह परमात्मा के अनुभूति का अधिकारी बनता है। कौन है वो अधिकारी? ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा, न शोचति न कांक्षति। प्रसन्नता तभी संभव है जब हमारे जीवन से मन हट जाएगा। मन में ही भूत और भविष्य होता है, चैतन्य में भूत भविष्य नहीं होता। और जहां भूत भविष्य का भूत चढ़ा हुआ है, वही संसार है। ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा, न शोचति न कांक्षति। फिर समः सर्वेषु भूतेषु, सबके प्रति समान। देखो, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी शुनि चैव श्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः इहैव तैः जितः सर्गः येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माते ब्रह्मणि स्थितः। यह जो समता है, ये जो समत्व है, यही परमात्मा की अनुभूति है।
और इसके लिए क्या है ये बताया है, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मनि एव अनुपश्यति। जो व्यक्ति सभी जगत के प्राणी मात्र को, जड़ चेतन जगत को अपने ही विस्तार के रूप में ग्रहण करता है, उसके प्रति प्रेम के सिवा अन्य कुछ नहीं हो सकता। ये कोई कठिन बात नहीं, ये आप लोग करते हो, केवल पहचान देने की आप कर रहे हो। उदाहरण देता हूं आपको एक, जब एक मां अपने बच्चे की तरफ देखती है और उसी बच्चे की तरफ दूसरी स्त्री देखती है तो दोनों के दृष्टि में फर्क होता है। जो दूसरी स्त्री देखेगी वो बच्चे के गुण दोष कहेगी, देखो आजकल के बच्चे मानते नहीं किसी की बात, बहुत बिगड़ गए हैं। और वो उसकी माँ क्या कहेगी, मेरा डब्बू इतना इंटेलिजेंट है स्वामी जी, बहुत प्रश्न पूछता है। अब जो प्रश्न पूछता है वो इंटेलिजेंट होता है कि बेवकूफ होता है? जो प्रश्न का उत्तर देता है वो इंटेलिजेंट होता है। लेकिन उस माँ को लगता है मेरा बेटा बड़ा इंटेलिजेंट है, माने उसके बेवकूफी को माँ इंटेलिजेंस कहती है, उसके गंदगी को वो अच्छी कहती है। एक उदाहरण देके मैं पूरा करूं, हमारे बंबई की बात है, ऐसे ही सत्संग हो गया, फिर हम वहां जाके बैठे और आखिरी दिन था, फिर सबको प्रसाद दे करके विदा करना है। सबका होने के पश्चात एक जवान माँ आई अपने बच्चे को लेकर के, अरे स्वामी जी मैं कितने दिनों से ट्राई कर रही थी आपके दर्शन करूं और इसको आशीर्वाद दिलाऊं आपके, लेकिन हो ही नहीं पाया, तो आज मैं आ ही गई। तो उसका कोई 8-9 महीने का बच्चा था, मेरे गोद में दिया। जैसे मेरे गोद में दिया तो मैंने कहा कि अम्मा देखो बाकी लोगों ने पैसे ही दिए दक्षिणा में, तुम अच्छी हो, तुमने अपना पुत्र मुझे दक्षिणा में दे दिया है, धन्य हो गया मैं, अब मैं इसको बाबा जी बनाऊंगा। और जो रोने लग गई, स्वामी जी नहीं 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 नहीं। हमने कहा देखो मैं व्यासपीठ पर बैठा हूं, तुमने मुझे दान दिया है, दिया हुआ दान वापस नहीं लेते। बहुत वो रोने लग गई, क्या करो कैसे, नहीं नहीं स्वामी जी आई डोंट मीन दैट। देखो अब मैं बच्चे से खेल रहा था, उसकी माँ से खेल रहा था, उतने में उस बच्चे ने जो नहीं करना चाहिए था कर दिया, और जो बदबू आने लग गई उसकी, हमने कहा अरे राम राम, टेक दिस यूजलेस फेलो, समझता क्या मैं बाथरूम हूं क्या, ले लो इसको। तो मैंने जब ऐसा कहा तो उसको दुख नहीं हुआ, वो कहती स्वामी जी आप धन्य हो। क्या धन्य हो, 3 दिन से नहीं गया था। लो उस माँ को बच्चे ने मेरे गोद में एक टट्टी करी, उसका दुख नहीं है, खुशी है, क्योंकि वो अपना बच्चा है। देखो महाराज, साधु संत किसी से प्रेम नहीं करते, उनका सबके प्रति प्रेम होता है। लड़का लड़की से प्रेम करता है और दोनों प्रेम में गिरते हैं, उस गिरावट को कहते हैं शादी। लेकिन मां बेटे से प्रेम करती नहीं, मां का बेटे के प्रति प्रेम होता है, और इसीलिए वो मां प्रेम में गिरती नहीं, उठती है। देखो संतो, और इसका आधार केवल एक ही है, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्नेवानुपश्यति सर्वभूतस्थम आत्मानम न ततो विजुगुप्सते। दोनों प्रकार से सबको अपने में और अपने को सब में, यही अंतिम दृष्टि है अध्यात्म की। इसमें सब भेद समाप्त हो गए। यह जो अपनी सहज स्थिति है, इसमें नित्य निरंतर वास करना, यही जीवन की परिपूर्णता है। एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।